मैनर में हम उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट का एक प्रॉब्लम है, एक बंदे की जो डेवलपमेंट होती है हो सकता है अगले बंदे की डेवलपमेंट ना हो, या फिर हर बंदे की डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होती है। एक बंदे को 95% लाने हैं, उसको लगता है वो डेवलपमेंट है। एक को लगता है कि 45 आए थे, 50 आ जाए भगवान का शुक्रिया, वो डेवलपमेंट हो सकती है, राइट है। अच्छा, ऐसे जो चीज़ें हैं हम वही देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में इकोनॉमिक मैनर्स में, या हमारा टॉपिक बुक का नाम भी वही है इकोनॉमिक्स, उस मैनर में डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो कुछ एक ही टॉपिक देख लेते हैं, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है कि अलग अलग टाइप की जो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, हम उसकी बात करने वाले हैं। और उसके लिए हर बंदा क्या करता है, कुछ गोल्स बना के रखता है। योर गोल मे बी रिलेटेड टू मार्क्स, योर पेरेंट्स, मनी, और किसी और का आपके भी होते हैं ना, रास्ते में आप जा रहे होते हो, इसका ग्लास फोड़ना है, है ना, जाते हो ट्यूबलाइट को मार के जाते हो फिर तो भी पत्थर। एवरीबडी हैव देयर ओन गोल्स, लेकिन गोल्स अच्छे कब होंगे, जब उससे आपकी बेटर लाइफ होना शुरू हो जाएगी। डिफरेंट पीपल कैन हैव अ डिफरेंट गोल। यहाँ पे हर बंदा बैठा है, हर बंदे के अपने अपने गोल है कि नहीं है। कोई सोच रहा है घर जल्दी कैसे पहुँचूँ, उसका गोल है। कोई सोच रहा है यहाँ नींद आ जाए बस मज़ा है, घर पे काम ना मिले। तो ऐसे गोल हर बंदे के लॉन्ग लाइफ में भी और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स में भी हमारे सबके अलग अलग हो सकते हैं। और हम बात करें, डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे बी नॉट डेवलपमेंट फॉर, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ रोड नाउ। रोड में समझो ब्रिज बना, ओवर ब्रिज बन गया, तो जिस बंदे की दुकानें रोड पे आ रही थी पहले, जिसका मॉल आ रहा था, ओवर ब्रिज से क्या हो गया, छुप गया, वो सिर्फ डेवलपमेंट हुई क्या, नहीं हुई। रोड जिसकी बन गई, जिसको ट्रैफिक में घुसना नहीं पड़ा, अब वो डायरेक्टली ओवर ब्रिज से निकल जा रहा है फ्लाईओवर से, उसके लिए क्या है, डेवलपमेंट है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए तो मैटर भी नहीं करता। एग्जाम्पल, बहुत अच्छी रोड बनी समृद्धि एक्सप्रेस, हम कभी गए ही नहीं, क्या मैटर करता हमको, तो इट्स नॉट अ डेवलपमेंट फॉर मी। हाँ, जिस दिन चला जाऊँगा, रेगुलर जाता हूँ, तो हो सकता है। डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय द पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी बंदे के पास में जब एक्स्ट्रा पैसा आता है कंपेयर टू लास्ट टाइम, हम उसे क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, है ना। नंबर टू, अलॉन्ग विद ग्रोथ साथ में और क्या चाहिए, बेसिक नीड्स भी मिलनी चाहिए। हमेशा याद रखना कि आपको ऐसा लगे मेरी डेवलपमेंट है, पैसा मिल जा रहा है आपको, लेकिन उस पैसे के चक्कर में आप बीमार हो रहे हैं, बच्चों की स्कूलिंग वहाँ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ नहीं है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा ख़राब है, तो इनडायरेक्टली वो डेवलपमेंट है क्या। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, इकोनॉमिक बेस में तो चीज़ें मिलनी ही मिलनी चाहिए, साथ में कुछ बेसिक नीड्स हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और लाइफस्टाइल, ये भी इम्प्रूव होती तो हम क्या बोलेंगे उसको, डेवलपमेंट। बिल्कुल डेफिनेशन बनती है भाई कि हाँ डेवलपमेंट हम इसको बोल सकते हैं। कब ये तीन चीज़ मिले, कौन सी, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ठीक है ना। और साथ में क्या मिलना चाहिए, लास्ट इंपॉर्टेंट, पहला है पॉइंट, पैसा, है ना, कंपेयर टू लास्ट मंथ जो भी आपकी या लास्ट जो भी इनकम थी उससे ज़्यादा पैसा भी मिलना चाहिए। द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट इज टू अपडेट एज ए डिमांड ऑफ जिस टाइम चल रहा है। हो सकता है कि 20 या 30 साल पहले घर में सोफा नहीं होते थे, फ्रिज नहीं होते थे, लेकिन आज नहीं है तो हमको लगता है कुछ खाली खाली है, मतलब ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो कंपेयर टू द टाइम हम अपडेट होते रहे। अब हो सकता है पहले टीवी, बड़े मोटे वाले टीवी आते थे, टीवी कैसे हो गए, लोग कैसे हो गए, तो आप अपडेट हो रहे हैं ना टाइम के हिसाब से। जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, फ्लैट टीवी हो गया, सोफ़ा हो गया, घर में टू व्हीलर, फोर व्हीलर हो गया, ये चीज़ें पहले रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, एक अमीर आदमी जो कर्नल है आर्मी में, वो साइकिल में घूमता था यूनिट में, किस पे, ब्रिगेडियर के पास में स्कूटर मिलता था, और जो बाशिंदे हैं बाकी जो सोल्जर्स हैं वो तो पैदल ही भाग रहे होते थे यहाँ वहाँ। आज 3 साल का बच्चा होता है वो 4 पहिए वाली साइकिल ही घूम रहा होता है, 2 तो चलाने वाले और 2 उसके बैलेंस वाले, है या नहीं है, तो पैदा होते हैं साइकिलें मिल जा रही हैं। 10-12 साल का बच्चा होता है स्कूटी ले घूम रहा होता है, स्कूटी मतलब आपका एक्टिवा, पैक्टिवा, जुपिटर, है या नहीं है। और 18-19 साल का हो गया तो वो है ना स्पेशल गाड़ी जिसमें आदमी बैठता है ऐसे और चलता ऐसे है। तो ये हो गया क्या, टाइम के हिसाब से चीज़ें मिल रही है कि नहीं है। हो सकता है कि कोई ज़माने में 2 इंच की स्क्रीन आती थी, फिर 5 ही हो गई, जब आपके बच्चे होंगे तो 12 इंच का मोबाइल ले घूम रहे हो कहीं जेब में लगा के, और उसके बाद वाले ब्लैक से हाथ में घूम रहे होंगे बड़ा सारा मोबाइल, हो सकता है डेवलपमेंट हो सकती, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, ए डैम इज कंस्ट्रक्टेड, हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। जिन लोगों को उस डैम की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर मिल रही है, या जो वाटर स्टोरेज होकर जिन इंडस्ट्रीज और घरों को मिल रहा है, दे आर हैप्पी, फॉर देम इट्स अ डेवलपमेंट। बट जिन लोगों के घर टूटे हैं या जिनका खेत गया उस डैम में, वो लोग खुश हैं क्या, उनके लिए डेवलपमेंट है क्या ये। दिस इज एन एग्जाम्पल, याद रखिएगा, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन फॉर
फार्मर्स दोज आर लिविंग नियर बाय। आज हमारा डैम कहाँ है? जैकवाड़ी। जैकवाड़ी में कल वो कुछ भी हुआ तो कौन डूबेगा? पूरा का पूरा पैटर्न गांव डूब जाएगा, तहसील डूब जाएगी पूरी। आपको तो फायदा है यहाँ बैठे बैठे, वो डूबे या ना डूबे आपको तो पानी मिल रहा है। बात समझ आई? सो इट इज, इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द फार्मर्स। कौन? वो डैम। फायदे में कौन? जिसको लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, और जितने लोग नियर बाय रहते हैं उनकी ज़िंदगी हमेशा खतरे में है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? हम बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट गोल्स की, जिसमें पहला क्या है? इनकम एंड अदर गोल। इनकम तो बेसिक गोल होता है भैया, किसी भी चीज़ में ले लो, अगर पैसा जेब में आ रहा है मतलब हम क्या मान के चलते हैं? डेवलपमेंट है। अब इसको हम पहले तो इंडिविजुअली देखेंगे, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी और फिर देश की बात करेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री। बात समझ में आई? ये जो ING वर्ड लगा ना, ING वर्ड मैं मेरे बचपन सुनता आया हूँ। मैं खुद सपना ले रहा हूँ कि कब कहेंगे कि इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। हमारी कंट्री कौन सी है? डेवलपिंग है, ING लगा हुआ है, ये ED हो ही नहीं रहा है। आप भी ये पढ़ रहे हो, शायद आपकी आने वाली जनरेशन भी वही पढ़ती रहे हैं।